रेडी। तो आज का है शाहरुख खान की फिल्म जवान का टीजर प्रीव्यू या फर्स्ट लुक जो भी कह सकते हैं। अब देखो इस लुक का शाहरुख खान के फैंस को तकरीबन एक साल से इंतजार था और उसका सिंपल रीजन यह है कि जवान फिल्म की हाइप पठान फिल्म के बाद बहुत ज्यादा हो गई थी। बहुत लोगों ने तो ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि पठान का रिकॉर्ड अगर कोई भी हिंदी फिल्म तोड़ सकती है तो जवान फिल्म ही तोड़ सकती है। और उसको देखने के बाद मैं ऑनेस्टली एक बात तो कह सकता हूं कि ये सच में वही डिलीवर करता है जो कि फैंस की इनसे एक्सपेक्टेशंस थी। ओवरऑल जिस प्रीव्यू का वाइब आया उसको देखने में तो यही लग रहा है कि ये थोड़ी सी एक डार्क फिल्म होने वाली है बट एट द सेम टाइम ये कमर्शियल मसाला एंटरटेनर होगी। यू नो वैसी फिल्म है जिसमें एक्शन भी होता है, कॉमेडी भी होती है, रोमांस भी होता है। और वहीं जहां इंडियन सिनेमा के फैंस को पठान फिल्म से ये शिकायत थी कि फिल्म अच्छी तो बहुत थी बट स्टोरी थोड़ी बहुत जेनरिक सी थी, तो उसको देखने में यही लग रहा है कि इसकी स्टोरी थोड़ी तो यूनिक होने वाली है। ऑल्दो मैं यहां पे ये बात भी एक्सेप्ट करूंगा कि इस प्रीव्यू ने कहीं ना कहीं स्टोरी के बारे में काफी कुछ रिवील कर दिया है। देखो ऐसे कई महीने पहले ही ये रिपोर्ट आ चुकी थी कि शाहरुख खान का इस फिल्म में डबल रोल होने वाला है और एक शाहरुख खान फादर का रोल प्ले करेंगे और एक शाहरुख खान बेटे का रोल प्ले करेंगे। तो ऑलमोस्ट ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म है। तो फिलहाल देखने में तो स्टोरी यही लग रही है कि फादर वाला शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण हस्बैंड वाइफ होते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी किसी फिल्म में किसी एक्ट्रेस का गेस्ट अपीयरेंस होता है तो उसको हमेशा पास में ही दिखाया जाता है। और साथ ही में ये भी वाइब जा रही है कि फादर वाले कैरेक्टर का जो बैकग्राउंड होगा वो थोड़ा बहुत आर्मी बैकग्राउंड होगा और उसी आर्मी में कोई ऐसा भी इंसान होगा जो कि विलन होगा या फिर नेगेटिव फोर्सेस से मिला होगा और वो कोई साजिश करके साथ शाहरुख खान के कैरेक्टर को मरवाने की कोशिश करता है। और फिर ऐसा दिखाया जा सकता है कि शाहरुख खान का जो फादर वाला कैरेक्टर है वो दुनिया की नजरों में तो मर गया होता है बट एक्चुअली में वो जिंदा होता है और अपना बदला लेने का वेट कर रहा होता है। और फिर कई साल बाद उसका जो बेटा है विच इज अगेन शाहरुख खान वो बड़ा हो जाता है और फिर बाप और बेटे मिल के बदला लेते हैं। और साथ ही इन फादर सन के डुओ को जो रोकने का काम करेगा वो करेगा विजय सेतुपति का कैरेक्टर। ऑल्दो मैं यहाँ पे फिर से क्लियर कर दूं कि मुझे स्टोरी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, सिर्फ एक वाइल्ड गेस है। वैसे भी जो मैंने स्टोरी प्रिडिक्ट किया है ये उतनी ज्यादा नॉवल स्टोरी नहीं है। आपने नोटिस किया होगा 70s और 80s में ऐसी बहुत सारी फिल्में बनती थी। इनफैक्ट मैंने कुछ टाइम पहले जवान फिल्म पे एक स्पेशल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जवान फिल्म की जो कहानी है वो आखिरी रास्ता से इंस्पायर्ड होने वाली है। और उस फिल्म में भी कुछ ऐसी था जिसमें अमिताभ बच्चन दोनों फादर और सन का कैरेक्टर प्ले करते हैं और वो फिल्म भी एक रिवेंज ड्रामा फिल्म थी। शायद यही वजह है कि आपने वीडियो में देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को वादा कर रहा होता है। बाकी एक्टिंग डिपार्टमेंट में ये फिल्म डेफिनेटली डिलीवर करेगी। सबसे पहले तो इसलिए भी क्योंकि ये फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म है, शाहरुख खान का तो डबल रोल होने वाला ही है, उसके अलावा नयनतारा भी है, दीपिका पादुकोण भी है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो शाहरुख खान का फादर वाला कैरेक्टर है उसकी हीरोइन दीपिका पादुकोण होगी और जो बेटे का कैरेक्टर है उसकी हीरोइन नयनतारा होगी। उसके अलावा विजय सेतुपति के साथ साथ संजय दत्त और थलावधि विजय का भी कैमियो है। तो मैं कहूंगा ये फिल्म एक रियल सेंस में पैन इंडिया फिल्म है। बाकी दो स्पेसिफिक चीजें जो इस पूरे प्रीव्यू के वीडियो में सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है वो है एक्शन और बीजीएम। और क्योंकि इसके जो डायरेक्टर है वो है एटली कुमार तो इसका जो एक्शन देखने में लग रहा है वो काफी ज्यादा रॉ और ब्रूटल लग रहा है एज कम्पेयर टू पठान जिसका एक्शन बहुत ज्यादा ओवर द टॉप था। और वहीं अगर मैं बीजीएम की बात करूं तो अनिरुद्ध के बीजीएम को तो वैसे ही बीट नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं कहूंगा इस लेवल के एक्शन के लिए इस लेवल का बीजीएम भी होना बहुत जरूरी था। और पूरी फिल्म की जो ओवरऑल वर्ल्ड बिल्डिंग है उसको वो काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अगेन जैसे कि मैंने कहा इस फिल्म की स्टोरी भले ही आपको प्रेडिक्टेबल लग सकती है या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आपने बहुत बार पहले भी देखी है, लेकिन इस फिल्म का तो प्रेजेंटेशन होगा और स्टोरी टेलिंग होगी वो डेफिनेटली काफी नॉवेल होगी। और इन सब के ऊपर शाहरुख खान का स्टारडम तो है ही। और फिलहाल देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि एटली कुमार ने जिस तरीके से शाहरुख खान को प्रेजेंट किया है मुझे लगता है आज से पहले किसी भी बॉलीवुड डायरेक्टर ने उनको ऐसे प्रेजेंट नहीं किया होगा। मतलब लिटरली वो एक मास एक्शन हीरो लग रहे हैं और जिस तरीके से उनके आइकॉनिक डायलॉग्स को भी इनकैश किया गया है। प्रीव्यू में आपको उनका एक एवरग्रीन डायलॉग सुनाई देता है कि नाम तो सुना होगा, इनफैक्ट लास्ट में भी एक डायलॉग है कि जब मैं विलन बनता हूं तो सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। यू नो इस टाइप के डायलॉग्स जो है वो डायरेक्ट रेफरेंस है डर फिल्म से। हम सभी जानते हैं कि डर में शाहरुख खान की जो परफॉर्मेंस थी वो थी आइकॉनिक थी, सी सनी देओल की जो हीरो वाली परफॉर्मेंस थी वो भी उनके सामने फीकी पड़ गई थी। और यही साउथ के डायरेक्टर्स की खासियत है कि वो एक एक्टर के स्टारडम के साथ एक बेहतरीन स्टोरी टेलिंग को बहुत अच्छे से ब्लेंड करते हैं। बाकी एक चीज जो मैंने प्रीव्यू के पहले ही आपको बता दी थी कि शाहरुख खान के इस फिल्म में 7 अलग लुक्स होने वाले हैं, तो मैं कहूंगा 2-3 लुक्स तो रिवील कर दिए हैं। बाकी जैसे जैसे फिल्म का प्रमोशनल मटेरियल और बाहर आएगा कुछ गाने भी आएंगे और ऐसा भी बताया जा रहा है कि अगस्त में इसका एक ऑफिशियल वाला फाइनल ट्रेलर आएगा तो वो फिल्म के बारे में और भी बहुत कुछ रिवील करेगा। ऑल्दो मैं कहूंगा इस वीडियो ने कहीं ना कहीं माहौल सेट कर दिया है तो मुझे लगता नहीं उसकी जरूरत है क्योंकि ऐसे में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे स्पॉयलर्स बाहर आ सकते हैं। बाकी ऑनेस्ट रिव्यू है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता देना हूं। तो जहां ये सारी चीजें मुझे पॉजिटिव लगी तो वहीं एक छोटी सी चीज मुझे नेगेटिव लगी जो इस वीडियो का लास्ट सीन है जहां पे शाहरुख खान डांस करने लगते हैं, वो जो गाना बज रहा है बेकरार करके हमें यूं ना चाहिए, आई थिंक वो फिल्म में होता तो ठीक है लेकिन ओवरऑल इस वीडियो का जो पूरा वाइब है वो इतना ज्यादा मासी इतना ज्यादा धमाकेदार है कि लास्ट में आके वो गाना दिखा देने से कहीं ना कहीं मोमेंटम टूट जा रहा है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस शाहरुख खान के डांस के बिना ही इस प्रीव्यू को एडिट किया गया होता तो उसका इंपैक्ट और ज्यादा हार्ड हिटिंग होता। बाकी एक चीज आई एम नॉट श्योर आपने नोटिस की कि नहीं कि जब इस फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट वाला टीजर आया था तो उसमें ऐसा बताया गया था कि ये फिल्म 5 लैंग्वेजेस में रिलीज होगी यानी हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम में, लेकिन अब प्रीव्यू के टाइम ऐसा बताया जा रहा है कि ये फिल्म सिर्फ हिंदी तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। और ये थोड़ी सी कंसर्न वाली बात इसलिए क्योंकि अगर ऐसा वाकई में है तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि अब ये फिल्म पैन इंडिया फिल्म नहीं है।
पर फिर भी जो है सो है, मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि फाइनली रेड चिलीज की तरफ से हमें वाकई में एक ऑफिशियल क्लिप देखने को मिली। और अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट दूं तो मैं यही कहूंगा कि इस फिल्म का जो प्रीव्यू या फिर फर्स्ट लुक है मुझे वो बहुत ज्यादा धमाकेदार लगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे यही लगी कि ये अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है। जहां पठान से लोगों को ये शिकायत थी कि फिल्म बहुत ज्यादा क्लीशे लग रही थी और उसको देखने में कुछ अलग अलग एक्शन फिल्मों की जैसे वॉर या बैंग बैंग की याद आ रही थी, वही इस फिल्म का जो प्रेजेंटेशन है वो इतना स्पेशल है कि इसको देख के किसी और पुरानी फिल्म की या फिर शाहरुख खान की फिल्म की याद नहीं आ रही है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको जवान फिल्म का प्रीव्यू कैसा लगा और अब आपकी इसके बॉक्स ऑफिस से क्या एक्सपेक्टेशन है, कि आपको वाकई लगता है कि ये पठान फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, सब कुछ बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा हाउस से रंजन को दीजिए इजाजत।